पी एस वाई सिक्सोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मैरमेंट लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री मयरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आमतौर पर इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के लिए दो तरह के स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें बैनिट स्केल शामिल है और दूसरा है यानी को कैसे नापा जाता है अवेलेबल टू अस फॉर असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सहानत को नापने के लिए बहुत सारे हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं द टेस्ट मे बी चूजन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पेसिफिकपज़ फॉर विच द टेस्ट इज़ टू बी यूज टेस्ट हम स्पेसिफिक परपज़ को देखने के बाद चूज़ करते हैं कि हम किस चीज़ को मापना चाह रहे हैं द टेस्ट मे बी यूज इंडिपेंडेंटली और इन कम्बिनेशन विद अदर टेस्ट कि टेस्ट को एक भी टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या उसके साथ मजीद कुछ टेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हम बैटरी ऑफ टेस्ट कहते हैं सिमिलरली वी हैव ऑप्शन टू चूज़ द इंडिविजल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट और इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इंडिविजअली तौर पर टेस्ट अपलाई करें या एक ग्रुप की सूरत में टेस्ट को अप्लाई करें द प्रेवल्ट मॉडर्न अप्रोच टू मई इंटेलिजेंस आर बेस्ड पॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्फर्ड बैनट जो अब मॉडर्न अप्रोच इस्तेमाल की जा रही है इंटेलिजेंस को नापने के लिए वो बेस करती है एल्फर्ड बैनट की कॉन्ट्रीब्यूशन पर आज के वीडियो में हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे बैनेट स्केल में और ये देखेंगे किस तरह से टेस्ट डेवलप होना शुरू हुए और उनके अंदर कैसे कैसे तब्दीलियां आना शुरू हुई द दैनट स्केल फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्फर्ड पेनेट एंड थियोडोर साइमन इन नाइनटीन जीरो फाइव इन फ्रांस डिवेलप द फर्स्ट फॉर्मल मयर ऑफ इंटेलिजेंस एल्फर्ड पैनेट और थियोडोर साइमन ने 1905 में फ्रांस के अंदर पहला फॉर्मल जो है वो आ, टेस्ट डेवलप किया था जो कि इंटेलिजेंस को मैयर करता है द पर्पज ऑफ देयर स्केल वाज टू असिस्ट द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इन आइडेंटिफाइंग डल स्टूडेंट्स इन द पेरिस स्कूल सिस्टम सो दैट दे कुड बी प्रोवाइडेड रेमिडियल असिस्टेंस और ट्रेनिंग They felt that the children' performance could be used as an indicator of their intelligence. In other words, they believed that intelligence can be measured in terms of performance of children. यहाँ ये यह बताया गया है कि जो Alfred Binet ने scale बनाया था, उस scale बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ education ministry and department की जो है मदद करना था, ताकि वो identify कर सके dull students को स्कूल सिस्टम के अंदर ताकि डल स्टूडेंट्स को कोई खास किस्म की ट्रेनिंग दी जाए और रेमिडियल असिस्टेंट दी जाए लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है यानी उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को अगर हमने मैय करना है तो हम बच्चों की परफॉर्मेंस को देखेंगे और बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो इंटेलिजेंस को जाहिर करेगी द आइडिया वॉज दैट चिल्ड्रेन कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट ईच एज लेवल विद ग्रोइंग एज द टास्क दैट अ चाइल्ड कैन परफॉर्म बिकम मोर डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लैक्स इन नेचर इन्होंने कहा कि मुख्तफ एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं और जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाता है वो मजीद डिफ़िकल्ट टास्क करना शुरू कर देता है इफ़ अ चाइल्ड कैन परफॉर्म द टास्क दैट चिल्ड्रेन ऑफ हिज एज कैन परफॉर्म देन ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड if he cannot perform the way his age mates do then he possesses below average intelligence the one who can perform tasks that children older than him can perform then he has above average intelligence intelligence ka criteria टास्क कंप्लीट कर लेता है तो वो इंटेलिजेंट चाइल्ड है लेकिन अगर अपनी उम्र के बच्चों के मुताबिक वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस का मालिक है और अगर एक बच्चा अपनी उम्र से बड़े उम्र के बच्चों के टास्क कंप्लीट कर रहा है तो वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस का मालिक है हाओ एवर वन बैर डिवेलप स्केल द मेन फोकस वाज टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कुड नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल For the the next many decades, 1905 onwards, a number of revisions were made in the original scale. हम बस यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जब ने टेम ओरिजिनल स्केल बनाया था तो उसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करे जो कि अपनी उम्र के बच्चों के मुताबिक टास्क परफॉर्म नहीं करे और इसके बाद इस टेस्ट के अंदर 1905 तक जो है बहुत सारी रिविजन हुई The first intelligence test, Barnett and Simon scale, could identify more intelligent children within a particular age group and could differentiate intelligent children from the less intelligent one. Original Barnett or Simon का जो टेस्ट था वो आइडेंटिफाई करता था ज़्यादा जहीन बच्चों को उनके एज ग्रुप की नस्बत और इसके अलावा जहीन और कम जहीन बच्चों के दरमियान जो है वो फ़र्क करता था The development of Bennett and Simon scale. First of all, a number of tasks were developed. Then, group of students who were categorized or labeled as dull or bright by their teachers were selected. The tasks were presented to them. यानी बहुत सारे टास्क बनाए गए थे और वो बच्चे जिनको उनके टीचर्स ने dull या bright लेबल किया था, उनको सिलेक्ट कर लिया गया था और उन बच्चों को वो टास्क दिए गए थे। The tasks that could be completed by bright students were retained. The rest were discarded. यानी वो टास्क जो बच्चे जो ब्राइट बच्चे तस्वर किए थे उन्होंने जो कर लिए थे उन टास्क को रखा गया था इस टेस्ट के अंदर और बाकी टेस्ट के जो आइटम्स थे उनको निकाल दिया गया था उन टास्क को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था और ये तस्वीर किया गया था कि जो टास्क ब्राइट बच्चे कर सकते हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो बच्चा इस टास्क को परफॉर्म कर लेगा वो एक ब्राइट चाइल्ड है या इंटेलिजेंट चाइल्ड है और इस टास्क के दौरान ये चीज़ रियलाइज़ की गई थी कि तमाम जो टास्क हैं वो तमाम बच्चे जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते इवन कि अगर ब्राइट बच्चों को भी देखा जाए तो वो तमाम टास्क को जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते टास्क को एज के मुताबिक बनाया गया था और जो बच्चे छोटी उम्र के थे वो बड़े बच्चों के जो टास्क थे वो नहीं परफॉर्म कर सकते थे इसलिए जो है हर बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता था और यहाँ पे ये बात की गई थी कि जो बच्चा अपनी उम्र से बड़े बच्चों का टास्क परफॉर्म करा है वो बच्चा अबव एवरेज इंटेलिजेंस का मालिक है और अगर बच्चा अपनी एज का टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो बच्चा जो है वो डल चाइल्ड है और इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए डल और ब्राइट बच्चों को जो है इस अप्रोच में देखा गया था और तलाश किया गया था इस टेस्ट के ज़रिए एनेट स्केल बिकम पॉपुलर वेरी सून एंड वर्क वाज बीइंग डन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स ट्रांसलेशन एंड अडेप्टशन द यू एस अ कंट्री दैट टू लीड इन दिस रिकार्ड अ ट्रेनिंग स्कूल इन न्यू जर्सी वॉज यूजिंग इट इन नाइनटीन जो ये टेस्ट था इसने बहुत जल्दी शहरत पाई थी और यूएस जो था वो एक ऐसा कंट्री थी जहाँ पे इस टास्क को जो है न्यू जर्सी में इस्तेमाल किया जा रहा था ट्रेनिंग स्कूल के अंदर इसका जो न्यू वर्जन था वो 1912 में जो है पब्लिश किया गया था और इसमें वाइड रेंज ऑफ एज को शामिल किया गया था और एज रेंज जो है वो थ्री मंथ तक जो है लेके गए थे और इसके अंदर मेजर डेवलपमेंट जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की गई थी अब जो भी मॉडिफिकेशंस आई हैं हिस्ट्री में माइल आए हैं बैनट स्केल के अंदर वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं द नाइनटीन ज़ीरो फ़ाइव स्केल द ओरिजिनल नाइनटीन जीरो फ़ाइव स्केल कंप्राइज थर्टी आइटम अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी The norms were obtained from a sample of only 50 children who were reported to be normal considering their average school performance through normative and validity related information for the scale was not sufficient. This scale was a major milestone in the history of psychological measurement. इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ये जो 1905 का ओरिजिनल स्केल था ये 30 आइटम्स पर मुश्तमिल था और इनको डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया गया था इस टेस्ट को बनाने के लिए 50 बच्चों के ऊपर मुश्तिल एक नॉर्म तलाश किया गया था और ये वो बच्चे थे जिनको नॉर्मल बच्चे कंसीडर किया जाता था और उनकी एवरेज स्कूल परफॉर्मेंस की बिना पर उनको कहा गया था कि ये नॉर्मल बच्चे हैं ये टेस्ट कितना वैलिड है या नॉर्मेटिव है इसके बारे में कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद नाइनटीन जीरो का जो स्केल है वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन का, का काम कर रहा है दी 1908 स्केल 1908 scale was similar to 1905 जो नाइन जो 1908 का स्केल है वो 1905 के स्केल से सिमिलर था और ये भी एज स्केल था जिसमें एज डिफरेंस को देखा गया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रिविजन इस रिविजन के अंदर जो है वो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था

इसके बाद इसकी 1916 रिवीजन आ जाती है जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने की थी जिनका नाम था लेवेस टर्मिन और उन्होंने फर्स्ट स्टैंडफोर्ड रिवीजन दी थी उस वक्त से इसका नाम है स्टैंडफोर्ड बैनेट इंटेलिजेंस स्केल इस जो टेस्ट की रिवीजन है और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन थी वो अमेरिकन सैंपल के ऊपर की गई थी और इसमें जो है वो तीन साल से लेके चौदह साल से बड़ी उम्र के लोगों को शामिल किया गया था और पीरियर एडल्ट्स को शामिल किया गया था इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल था वो बढ़ा दिया गया था और वाइट नेटिव कैलिफोर्निया के बच्चों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि ये टेस्ट क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि वाइट नेटिवस के ऊपर यूज़ किया गया था 1916 की रिवीजन के अंदर तीन सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया था एक तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है आईक्यू का उसको मुतारफ़ करवाया गया था और ये पहली दफ़ा जो है वो अमेरिकन टेस्ट के अंदर ही इस्तेमाल किया गया है इसके अलावा ऑल्टरनेट आइटम का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया गया था इट प्रोवाइडेड डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग यानी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी स्कोरिंग है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा तफसली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई थी नाइनटीन थर्टी सेवन रिविजन 1926 के अंदर एक प्रोजेक्ट किया गया था जिसके रिज़ल्ट में जो है वह 1937 की रिवीजन आई थी और टर्मिन एंड मैरिल जो थे उन्होंने स्टैंडफोर्ड में अपने कोलीग्स के साथ मिलकर इसकी रिवीजन पे काम किया था इसकी रिवीजन में प्री स्कूल लेवल से लेके एडल्ट एडर्ट लेवल तक जो है कुछ न्यू टास्क डाले गए थे और ये टेस्ट जो है दो इक्विलेंट फॉर्म्स एल एंड एम के ऊपर मुश्तमिल है इस टेस्ट को इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की वजह से अप्रिशिएट किया गया था इसके अंदर जो सैंपल लिया गया था स्टैंडर्डाइजेशन का वो काफी ज्यादा बड़ा था अगर पिछले टेस्ट को देखा जाए उसकी निस्बत यहाँ पे बड़ा सैंपल लिया गया इसके सैंपल में 3,184 इंडिविजुअल्स को शामिल किया गया और वो इंडिविजुअल्स जो थे वो यूएस के 11 स्टेट्स के अंदर से सेलेक्ट किए गए थे इस टेस्ट को जो है वो लैक ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिवनेस की वजह से जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि इस टेस्ट के अंदर तमाम लोग जो इस्तेमाल किए गए थे वो वाइट लोग थे और अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते थे रूरल एरिया के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले वर्जन से बहुत इम्प्रूवड वर्जन था वो बच्चे जो साइमन टेस्ट जो है देते थे उन बच्चों को उनकी कोरेस्पोंडेड एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ स्कोर्स असाइन किए जाते थे और जो स्कोर्स होते थे वो उनकी मेंटल एज को इंडिकेट करते थे मेंटल एज रेफर टू द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन हु सिक्योर्ड द सेम स्कोर मेंटल एज क्या है बच्चे की एक एवरेज उम्र थी जो के सेम स्कोर्स हासिल कर रहे होते थे बच्चे उनकी एक एवरेज उम्र को मेंटल एज कह दिया गया है मेंटल एज बेसिकली इंसान की जो जहनी उम्र है उसको कहते हैं मेंटल एज ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफ़रेंट फ्रॉम हिज़ और हर क्रोनोलॉजिकल एज जो इंसान की जहनी उम्र है वो उसकी जिसमानी उम्र की नस्बत तब्दील हो सकती है चेंज हो सकती है हो सकता है कि जो पर्सन है वो अपनी जिसमानी उम्र से ज़्यादा जहन हो और हो सकता है कि वो अपनी जिसमानी उमर से कम जहनी हो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और आई क्यू यानी आई क्यू का कॉन्सेप्ट As a result of problems with depending merely on mental age, a solution was devised in terms of intelligence quotient, a concept whereby the chronological age of person is also given due consideration. It is an indicator of intelligence that takes into consideration a person's mental as well as chronological age. The formula of IQ is IQ score is equal to mental age over chronological age multiplied with 100. सो so बेसिकली हम उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और उसकी मेंटल एज की बिना पर एक ऐसी ऐज निकालेंगे जो कि उसके आई क्यू होंगे और वो बताएगा कि बच्चा जहीन है कि नहीं है और आई क्यू स्कोर्स निकालने के लिए हमें क्लाइंट की मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को आपस में डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको हम सौ से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग एक इंसान की मेंटल और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज की बिना पर एक रेशो निकाल लेते हैं और सौ से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि हम डेसिमल पॉइंट्स को एलिमिनेट uh, कर दें अगर किसी शख्स की मेंटल और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज सेम होगी तो उसका आईक्यू क्यू होगा और अगर उसकी मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी जिसमानी उम्र से कम होगी तो वो सौ से कम होगा उसका आई क्यू और वो जो है कम जहन बच्चा होगा द 1960 सिक्सटी रिविजन द रिविजन वॉज फॉलोड बाई अनादरटीज़ दाइनटीन एडिशन वॉज बींग वर्ड अपॉन वन टर्म इन डाइड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स जब टर्म 1956 में फौत हो गया था उसके बाद जो है 1960 की एडिशन आई थी वन मेजर चेंज दैट took place इन दिस एडिशन was द instead ऑफ़ टू फॉर्म इट अ सिंगल फॉर्म एल एम जो पिछली रिविजन थी उसके अंदर दो फॉर्म्स की बात की गई थी एल एंड एम लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्म की बात की गई है जिसको उन्होंने नाम दिया है एल एम नो न्यू आइटम वर एडेड इस टेस्ट के अंदर कोई नया आइटम जो है वो ऐड नहीं किया गया था एंड द टेस्ट इंक्लूडेड द बेस्ट आइटम फ्रॉम द टू प्रीवियस फॉर्म्स जो पिछले दो टेस्ट इस्तेमाल हुए थे उनमें से बेस्ट आइटम्स को निकाल कर इस फॉर्म के अंदर या इस टेस्ट के अंदर इस्तेमाल कर लिया गया था इस रिविजन के अंदर रेशियो आई की जगह डेविएशन आई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया था डेविएशन आई क्यू मीनस दैट द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर वाज कम्पेयर परफॉर्मेंस ऑफ अदर पीपल ऑफ़ सेम एज लेवल इन स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल यानी अगर दो सेम एज ग्रुप के लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उन दोनों की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया था द मीन स्कोर इज टेकन टू बी हंड्रेड ऑफ स्टैंडर्डियन द स्कोर ऑफ टेस्ट टेकर इज कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड स्कोर यूजिंग दीज वैल्यूज मीन स्कोर जो हैं वो हंड्रेड है और स्टैंडर्ड एवियेसन सिक्सटीन है और जो टेस्ट टेकर के स्कोर्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया था स्टैंडर्ड स्कोर में ताकि इनकी वैल्यूज़ निकाली जाएं रेशियो आईक्यू का कॉन्सेप्ट बेसिकली पर्सन की इंटेलिजेंस को बताता है बट ये नहीं बताता कि पर्सन दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन में कहाँ पे खड़ा होता है लेकिन जो डेविएशन आईक्यू होता है उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल होती है कि दूसरे लोगों के साथ हम लोग देखें कि पर्सन किस पोजीशन पे खड़ा है और इसका कंपैरिजन जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल के साथ किया जाता है लेकिन इस टेस्ट को भी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था नाइनटीन सिक्सटीज़ का जो रिविज़न है वो कोई री स्टैंडर्डाइजेशन या न्यू नॉर्मेटिव सैम्पल के ऊपर नहीं किया गया था इस वजह से इस टेस्ट को भी क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ा था अब हम बात करते हैं 1972 की रिवीजन की 1972 की रिवीजन में इम्प्रूव्ड नॉर्मेटिव सैंपल लिया गया था जो कि 2100 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था पहले टेस्टों के अंदर सिर्फ गोरे लोगों को शामिल किया जाता था लेकिन इन टेस्ट के अंदर जो है वो नॉन वाइट लोग भी शामिल थे तकरीबन तमाम स्टैंडफर्ड बैनट एज लेवल के लोग जो हैं इंक्लूड किए गए थे और हर एज लेवल के अंदर से सौ सब्जेक्ट्स को जो है वह शामिल किया गया था लेकिन स्टिल इसके सैम्पल को क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई इनफ नॉन वाइट लोग शामिल नहीं किए गए इसलिए ज़्यादा स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है नाइनटीन एटी सिक्स वर्जन द स्टैंडफर्ड बैनेट फोर्थ एडिशन इस टेस्ट के अंदर उन तमाम चीज़ों को दूर करने की कोशिश की गई जिनको क्रिटिसाइज़ किया गया था इस टेस्ट के अंदर उन्होंने पाँच हजार लोगों पर मुश्तमिल्टरडाइज सैम्पल को इस्तेमाल किया इस टेस्ट के जो सब्जेक्ट थे वो यूएस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया की फोर्टी सेवन स्टेट से बिलोंग करते थे जियोग्राफिक रीजन कम्यूनिटी साइज़ एथनिक ग्रुप एज एंड जेंडर इन तमाम चीज़ों को इस टेस्ट के अंदर जो है सैम्पल लेते हुए जो है कंसिडर किया था इस टेस्ट के अंदर मंदाजैल कॉन्टेंट एरियाज़ को कवर किया गया था वर्बल रीजनिंग एब्सट्रैक्ट एंड विजुअल रीजनिंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। दबसेट्स ऑफ स्केल आर एज फॉलो अच्छा वर्बल रीजनिंग में क्या आता है वर्बल रीजनिंग में वोकेबलरी आती है कंप्रीहेंशन यानी कि चीज़ों को समझना उनको अंडरस्टैंड करना आता है एब्जर्डिटीज आता है वर्बल रिलेशन आते हैं इसके बाद एबस्ट्रैक्ट एंड विजुअल रीजनिंग आ जाती है जिसमें पैटर्न एनालिसिस होता है जानी डिफरेंट पैटर्नस को समझना उनको एनालाइज करना कॉपी करना मेट्रिस देखना और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वगैरह शामिल है इसके अंदर देना जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट नंबर सीरीज और इक्वेशन को बिल्ड वगैरह करना ये तमाम चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आती हैं नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसके अंदर बीड मेमोरी आती है मेमोरी ऑफ सेंटेंस आती है मेमोरी ऑफ डिजिट आती है एंड मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आती है अब हम स्टैनफोर्ड बैनेट टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं इंडिविजुअल औरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके लिए इस्तेमाल की जाती है जो टेस्ट लेने वाला शख्स है और टेस्ट देने वाले शख्स की यानी सब्जेक्ट की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट को शुरू करता है सक्सीडिंग लेवल से लेकर आइटम्स को शुरू किया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी वहाँ से क्वेश्चन शुरू किए जाते हैं जहाँ पे क्लाइंट जो है वो हर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे रहा होता है और टेस्ट उन क्वेश्चंस के ऊपर जाकर खत्म कर दिया जाता है जहाँ पे क्लाइंट जो है वो सही आंसर देना बंद कर देता है और कंजटिवली वो रॉन्ग आंसर्स दे रहा होता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसके बाद बेजलेज और सीलिंग निकालता है ईच टेस्ट के बारे में बेजलेज क्या होती है बेजलेज लोएस्ट लेवल और पॉइंट वे टू कंजक्टिव आइटम्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिफिकल्टी आर पासड यानी जब क्लाइंट दो कंजक्टिव ऐसे डिफिकल्टी लेवल के आंसर्स को पास करता है जो कि तकरीबन सेम डिफिकल्टी के होते हैं तो उस उस जगह को बेजल एज कहा जाता है सीलिंग क्या होती है सीलिंग इज अ पॉइंट एट वेज एटलीस्ट थ्री आउट ऑफ फोर आइटम्स आर मिस यानी अगर चार आइटम्स में से तीन आइटम्स क्लाइंट जहाँ पे मिस करने लग जाएगा उनके सही आंसर्स नहीं देगा तीन कट्ठे कंजक्टिवली आंसर्स की तो उस जगह को सीलिंग पॉइंट कहते हैं सो बेसिकली बेजल एज क्लाइंट का वो एरिया होगा टेस्ट देते हुए जहाँ पे क्लाइंट कंजक्टिवली दो सही क्वेश्चन के आइटम्स के आंसर्स देगा और जब टेस्ट देते देते आइटम्स पास करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे वो अब आंसर्स को नहीं दे पा रहा तो वहाँ पे तीन जब कंजक्टिवली रॉन्ग आंसर्स देगा तो उस एरिया पे हम टेस्ट स्टॉप कर देंगे और उस जगह को हम सीलिंग एरिया कहेंगे उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए टेस्ट का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे इसके बाद अब कुछ ऐसे सैम्पल आइटम्स दिखाए गए हैं जो कि अर्ली वर्जन ऑफ साइमन बैनड स्केल के अंदर इस्तेमाल किए गए थे मिसाल के तौर पर तीन साल का जो बच्चा है वो अपनी नोज अपनी आइज और अपने माउथ को जो है वो शो कर सकता है दो डिजिट्स को रिपीट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को पिक्चर्स को जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है फैमिली मेम्बर्स के नेम बता सकता है सेंटेंसेस को रिपीट कर सकता है चार साल का जो बच्चा है वो अपने जेंडर के बारे में अपना नाम चाबी छुरी इन चीज़ों के बारे में बता सकता है ऐसे ही डिफरेंट एज ग्रुप की डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर वो बच्चा अपनी एज ग्रुप के मुताबिक काम कर रहा होगा तो हमने वहाँ पे जो है वो टिक मार्क कर देना है टेस्ट के अंदर और अगर वो बच्चा अपनी एज के मुताबिक काम नहीं कर रहा होगा तो वहाँ पे हमने क्रॉस कर देना है जिस जगह पे जो है वो बच्चा कन्जेक्टिवली करेक्ट आंसर्स दे रहा होगा वहाँ से हम लोगों ने टेस्ट शुरू करना है और जहाँ पे कंजेक्टिवली जो बंदा है या बच्चा है वो गलत आंसर्स देना शुरू कर देगा वहाँ पे हमने टेस्ट को जो है स्टॉप कर देना है और उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट की स्कोरिंग करनी है अब हम नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं जो कि वैक्सीलर स्केल था

यानी वैस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल थर्ड एडिशन ये स्केल जो है वो सोलह से लेके 89 एटी नाइन साल की उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है यानी सोलह से लेके 89 एटी नाइन ईयर के लोगों की जहानत नापने के लिए बनाया गया है दूसरा है वेस्कुलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन ये स्केल जो है वो बच्चों की जहानत नापने के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि छः से सोलह साल की उम्र तक इस्तेमाल किया जाता है थर्ड स्केल जो मौजूद है वो है वैक्सीलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस ये स्केल जो है वो तीन साल की उम्र से लेके सात साल तीन माह तक की उम्र तक के लोगों की इंटेलिजेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीलर स्केल जो है वो सबसे पहले डेविड वैक्सीलर ने डेवलप किया था 1939 में और इसको डब्ल्यू बी आई या वैक्सीलर बेलव्यू स्केल भी कहते हैं क्योंकि वैक्सीलर जो था वो बेलव्यू हॉस्पिटल में जो है वो एम्प्लॉयड था ये जो टेस्ट था ये एज स्केल नहीं था जैसे कि बेनेट स्केल जो है वो एज स्केल है वैक्सीलर स्केल जो है वो एज स्केल नहीं था ये एक पॉइंट स्केल था जिसमें क्रेडिट दिया जाता था हर करेक्ट रिस्पॉन्स का 1942 में इसकी एक और रिवीजन की गई थी जिसको डब्ल्यू बी टू कहते हैं और इस रिवीजन के बारे में बहुत कम बात की गई है द ओरिजिनल स्केल हैड सम प्रॉब्लम पर्टिकुलरली दोस्ट रिलेटेड विद स्टैंडर्डाइजेशन जो ओरिजिनल स्केल था उसकी स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे इस स्केल को बनाने के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल इस्तेमाल किया गया था उसके अंदर 1081 वाइट्स लोगों को इस्तेमाल किया गया था और ज़्यादातर न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे बट वेस्कुलर सोन रिमूव द इनिशियल फ्लॉज रिवाइज डब्बी वन एंड डेवलप्ड द वेस्ट वेस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इन नाइनटीन यानी वेस्कुलर ने शुरू में आने वाले जो फ्लॉज थे डब्ल्यू बी वन के अंदर उन सबको जो है वो रिमूव कर दिया था और एक नया टेस्ट जो है वो डेवलप किया था जिसको उन्होंने वेस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहा था और ये नाइनटीन फिफ्टी फाइव में उन्होंने जो है वो डिवेलप किया था वेस्ट जो था वो रिवाइज किया गया दोबारा से और उसको वेस्ट आर यानी रिवीजन कहा जाता है वह नाइनटीन एटी वन में किया गया इसके बाद इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो वेस्ट थ्री है जो कि नाइनटीन नाइन्टी सेवन में आया था और ये जो स्केल है ये दो कैटेगरीज़ के ऊपर मुश्तमिल है वर्बल एंड परफॉर्मेंस के ऊपर वर्बल स्केल के अंदर वोकेबलरी सिमिलैरिटीज एथेमेटिक डिजिट स्पैन इंफॉर्मेशन कम्प्रीहेंशन एंड लेटर नंबर सीक्वेंस वगैरह शामिल हैं जबकि परफॉर्मेंस स्केल के अंदर पिक्चर कंप्लीशन डिजिट सिम्बल कोडिंग ब्लॉक डिज़ाइन मैट्रिक्स रीजनिंग पिक्चर अरेंजमेंट सिम्बल सर्च ऑब्जेक्ट असम्बली वगैरह शामिल थे इसके अलावा ये कहा गया कि जो वेस और विस्क टेस्ट है इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेस थ्री इस टेस्ट को बनाने के लिए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सब्जेक्ट्स का सैम्पल लिया गया सब्जेक्ट के तमाम लोग एडल्ट थे तेरह एज ग्रुप के लोगों को लिया गया 16 to 17 साल की उम्र से स्टार्टिंग की गई और एटी फाइव टू एटी नाइन साल की उम्र के लोगों को लिया गया जो सैम्पल की स्टार्टिफिकेशन थी वो जेंडर रेस एजुकेशन एंड जोग्राफिक रीजन की बिना पर की गई अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आईक्यू टेस्ट स्कोर्स के मीनिंग क्या होते हैं अगर आईक्यू टेस्ट स्कोर में किसी पर्सन का जो आईक्यू है या इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो सेवेंटी से कम होगा तो वो बच्चा जो है वो रिटार्डेड होगा या वो पर्सन जो है वो रिटार्डेड होगा यानी वो अपनी जहनी तौर पर अपनी जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है जिसमानी उम्र है उससे बिलो होगा उससे कम होगा अगर बच्चे का आई क्यू एटी फाइव आएगा तो वो बॉर्डर लाइन होगा यानी कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बॉर्डर लाइन पर होगा अगर हंड्रेड उसका आई क्यू स्कोर आएंगे तो वह बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट होगा और अगर उसका आईक्यू स्कोर 115 है या इससे अबव है तो वो बच्चा सुपीरियर कहलाएगा और अगर बच्चे का आईक्यू 140 है तो वो बच्चा गिफ्टेड कहलाएगा यानी कि वो कोई ख़ास एबिलिटीज के साथ आया गया बच्चा है